मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। और हम ये आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु में आप सब आनंदित होंगे, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज की शाम जैसे भी हमारा दिन गुजरा हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमें सुरक्षित रखा और हर एक हाल में हमें संभाल के रखा, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 3 वचन नंबर 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन जो भी काम करें हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्या ये हमारे लिए सही है, गलत है, प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, हालेलुया। क्योंकि वचन 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया। जब हम प्रभु को अपने काम काज में साथ लेके चलते हैं और उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें सीधा मार्ग बताएगा। जरूरी नहीं है जो काम हम करें वो हमारे लिए सही हो, लेकिन परमेश्वर इस सब के बारे में अच्छी तरीका से जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम कोई भी काम उतावली से ना करें, परमेश्वर की इच्छा जाने, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। तो पहले हम उस काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हालेलुया, जिसमें कोई रोक टोक ना होगी, हालेलुया। वचन 7 में हम कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, हालेलुया। जब हम प्रभु के जब हम परमेश्वर का, जैसे वचन हमें बताता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया। उस पर भरोसा रखना क्या है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके भय में अपने आप को हमेशा यह समझकर कि परमेश्वर मेरे साथ है। और हम ऐसा कोई काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, जिससे परमेश्वर हमसे दूर हो जाए और जो हमें आशीष मिलने वाली होती है उसे हम खो बैठें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को समझो, परमेश्वर के इस बहुमूल समय को समझो, क्योंकि उसने आपको इस संसार में से चुना है, उसने आप ही कहा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने उस पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें वो क्या कुछ नहीं देगा, और कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को दुखी देख सकता है, कराहता हुआ देख सकता है, बीमारी में देख सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ हमारे कामों के कारण थोड़ी मुसीबत आती है, क्योंकि हम उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं।
तो परेशानी आती है। और परमेश्वर का वचन कहता, देखो जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई तो उन्होंने क्या कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू केवल परमेश्वर ही को दंडवत करना। तब शैतान उसके पास से चला जाता है और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरा एक उद्देश्य है कि आप सबको परमेश्वर के नज़दीक लाएं, परमेश्वर की हजूरी में लाएं, कि आप अपनी बातें परमेश्वर से खुल के कह सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जो दास होता है, जो सेवकाई करता है, वो भी परमेश्वर के नियुक्त किए हुए होते हैं। हालेलुया। और जो हम सब हैं संसार में से, जगह जगह उसने हमें इकट्ठा किया, तो हमें भी वो अधिकार है कि हम परमेश्वर से अपनी बातों को रखें और वो हमारी सुने। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हमें उसकी वो जानना है कि परमेश्वर किन किन बातों से घृणा करता है, किन किन बातों से हमें प्रसन्न हम होता है। हालेलुया। तो घृणा की बातें ऐसी हैं कि झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, किसी की झूठी साक्षी मत देना, झूठे गवाह मत बनना, और प्रेम ये कि अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हेलो मेरे प्रियो, जब हम अपने आस पड़ोस में प्रेम रखते हैं तो इसमें परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को बड़ाई मिलती है। ये लोग जो अविश्वासी हैं यह देखकर कहते हैं अरे ये तो इसमें ऐसे गुण कहाँ से आए, इसमें ये अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आईं। तब वो हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है जो किसी काम के नहीं थे, कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर ने चुना है, हम मूर्खता की बातें छोड़कर जो परमेश्वर की ओर से उन बातों को ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरी करे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इन्हीं वचनों के द्वारा। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझे हर एक उन छोटी मोटी चीज़ों से तृप्त किया जो आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी मेरे पास होनी चाहिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रभु जी सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, वो अपनी समझ का सहारा ना लें प्रभु जी, वरन संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखें, आपको स्मरण करके प्रभु जी हर एक काम काज को करें, ताकि आप उस काम काज में उन्हें आशीष दो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जैसे आपका वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रभु जी तेरा भय मानकर जीवन बिताएं मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक उन बुराइयों से दूर रहें मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता परमेश्वर छूकर प्रभु जी ऐसा हृदय ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आप
आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि वो घर पर आ गए हो तो उन्हें सुख की नींद देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चिंताओं से मुक्त करना प्रभु जी, ताकि अच्छी नींद पिता परमेश्वर हमें आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए हैं उनकी चिंता करना प्रभु जी। जिस घर में ठहरे हों पिता परमेश्वर, उस घर में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, बरकत आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उस नगर में, उस गली, उस मोहल्ले में मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को सुने पिता परमेश्वर, लोग अपना मन बदले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, जिससे वो आपको महिमा दे सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन हर एक सपनों को पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। जब हम सोएं तो अच्छी नींद आए पिता परमेश्वर। सुबह का फजल दिखाना प्रभु जी, क्योंकि मरने के बाद कोई तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन आमीन।